यहाँ पे। बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग को करना है, एक फाइल बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को मार्जिन देखना है, बूटस्ट्रैप की मार्जिन, वो देखेंगे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन से। ओके, फर्स्ट वी क्रिएट अ फाइल bs7.html। तो टॉपिक वाइज नाम देना चाहिए एक्चुअली हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन, बीएस मार्जिन, ठीक है। फटाफट में क्या कर लेता है, कंटेनर बना लेता हूँ, उसके अंदर एक रो बना लेता हूँ, तीन कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है। यू डॉट कॉल, वो भी MD वाले मीडियम स्क्रीन, तीन वाले तीन कॉलम बना लेता हूँ मैं। देखो चलो, अच्छा खासा कुछ कंटेंट दे देते हैं इसमें हम लोग, ताकि समझ में तो आए हम लोग को। तो एक H2 देंगे इसके अंदर, हेडिंग वन, एक पैराग्राफ देंगे। ये सिमिलर रहेंगी हर सेशन में बूटस्ट्रैप के, जैसे मैंने हमेशा कहा आप लोग को। देखो ये हुआ, अब इसके साथ में एक इसको भी दे देंगे, हेडिंग टू नाम दे देते इसको हम लोग यहाँ पे, और इसको हेडिंग थ्री। MD वाला मीडियम स्क्रीन वाला तीन कॉलम लिखे, तीन कितने नौ हो गए। चलो ठीक है, तीन ही काफी है, मुझे मार्जिन दिखाना है आपको ना। ओके, अब रो और इनको हम लोग बॉर्डर देते, हम लोग आई थिंक जो पहले दिया है उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्यों फिर से हम लोग को वही सी एस देना है। कॉपी कर लेता हूँ मैं यहीं से, वही चीज है हमारा टॉपिक है मार्जिन। फिर हम लोग चलेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर, इसको पहले ओपन कर लेते पेज को, ओपन इन ब्राउजर। है कुछ इस तरह से, ओके, कॉलम MD3। आई थिंक बूस्टअप लिंक नहीं किया हम लोगों ने देखो अभी तक, इसलिए वो कुछ भी नहीं दिख रहा हम लोग को। बूस्टअप लिंक करना पड़ेगा, ये लिंक ले लो यहाँ से, उठा लो इसको उठा के अपने यहाँ पे एक लाइन है जो मैं भूल रहा हूँ लगाने के लिए, या ऊपर एक मेटा टैग की लाइन है, वो लगाना भी चाहिए जिससे कंटेंट बाहर नहीं जाता, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेटा इसे कहीं ना कहीं से मेटा रिपोर्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, उसका मीनिंग भी मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। अभी पॉइंट नहीं था हमारा, खैर ये, बट मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे मिल जाएंगे हमें, W3 के ऊपर मिल जाएंगे वो लाइन। स्लो चल रहा है, देखो ये वाली लाइन, ये लाइन का मतलब समझाता हूँ, ये क्यों लेना है, क्या लेना है, इसका एक छोटा सा मतलब समझाता हूँ आपको, बाद में हम लोग डिटेलिंग पढ़ेंगे किसी दिन इसके ऊपर। वैसे आपको टाइम मिले तो इस लिंक के ऊपर जाके पढ़ लेना इसको, ये क्या है। ये व्यू पोर्ट हमें पता है, जो हम लोगों ने VHPW में देखा था वही व्यू पोर्ट है जिसको मैंने कहा था। तो देखो अभी क्या होता है कि व्यू पोर्ट अलग अलग होता है डिवाइसेस का, मोबाइल फोन का अलग, कंप्यूटर स्क्रीन का अलग, तो हमारा जो कंटेंट है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इतना ही, सिर्फ नेम व्यू पोर्ट, यहाँ पे देखो कंटेंट लिखा है लोगों ने, कि डिवाइस की विड्थ जितनी इसकी विड्थ रहे, और इसकी इनिशियल स्केल, मतलब ये जूमिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखो इनिशियल जूम पेज, मतलब जब भी पेज लोड होगा वो जूम, देखो कुछ इस तरह से। देखो अभी विदाउट हम लोग व्यूपोर्ट देखेंगे ना, तो पेज इस तरह से दिखेगा हमें, ठीक है, इस तरह से जैसा हमारा दिख रहा था। देखो 2-3 दिन पहले मैंने आपको जब सेशन कर रहा था तब ऐसे दिख रहा था विदाउट व्यूपोर्ट, क्योंकि हम लोग ये लाइन लगाना भूल गए थे वहां पे। ओके, बट अगर ये लाइन लगाते हैं हम लोग तो इस तरह से जूम होता है, ठीक है, कंटेंट यहाँ पे, और जितनी भी विड्थ रहेगी वो विड्थ सेट हो जाती है यहाँ पे। देखो सेट द विड्थ ऑफ अ पेज, देखो आप टाइम होगा ना तो आपके पास ये पढ़ लेना, ये काफी अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है यहाँ पे। बट एक छोटी सी लाइन में आप समझ सकते हैं क्या मुझे बोलना क्या है। 1 मिनट, कॉलम आ गए हमारे रेडी। ओके देखो कॉलम भी हो गए हमारे रेडी, इन कॉलम हमारे, और हम लोग को ये लाइन भी डाल देना है ऊपर वाली लाइन। यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे हम स्मॉल स्क्रीन पे जाते हैं ना तब वो फर्क पड़ेगा वहां पे। चलो ठीक है, ओके वेलकम। इसको हम लोग क्या करते हैं, तीन क्लास बना लेता हूँ मैं। एक हम लोग बनाएंगे सलमान वाला क्लास, सलमान खान, ओके बैकग्राउंड, क्यों बना रहा भैया, इसके पीछे रीजन है, हम लोग को कुछ कलर देना पड़ेगा, इसलिए मैं बना के रख रहा हूँ उसको यूज करने के लिए। थोड़ा सा व्हाइट स्मोकी देना है इसको, और दूसरा चाहिए थोड़ा सिल्वर, ठीक है। ये भी क्लासेस जो है हम लोग को यहाँ पे यूज कर देने हैं हम लोग को इन कॉलम्स में।
यूज किया, इसको यहाँ पे दे देते हैं, ओके। और ये सिल्वर जो है दिख रहा हमें, इसको 3 नंबर पे दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे कलर हो चुके हैं ये तीनों भी, तो अभी इनको मार्जिन देना है। तो देखो मार्जिन के लिए हम लोग गेट बूटस्ट्रैप पे आते हैं, यहाँ पे गेट बूटस्ट्रैप .com डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं हम लोग सिंपल। और वहां पे आने के बाद में हम लोग को सिंपल क्या सर्च करना है, ठीक है, सिंपल क्या सर्च करना है यहाँ पे आके, जो कुछ भी क्वेश्चन हो, ओके, वर्जन चेंज कर लो पहले, ये ध्यान में रखना। 4.6 का वर्जन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओके। आपको करना है मार्जिन, ओके, मार्जिन। अब मार्जिन में हम लोग को मार्जिन एंड पैडिंग दिखेगा, देखो वो भी लेआउट का पार्ट है, मार्जिन एंड पैडिंग। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग को अगर मार्जिन और पैडिंग यूज करनी है, तो इन लोगों ने बने बनाए कुछ क्लासेस यूज करके रखे यहाँ पे। एक मिनट, ये डिटेलिंग पार्ट का चला गया इसका, मार्जिन का। एक मिनट, स्पेसिंग टू कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट स्पेस, ओके, यहाँ पे देखो। और मार्जिन और पैडिंग यूज करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें, हम लोग को दो सिंबल यूज करने, दो क्लास के नाम यूज करने, सिंपल एम और पी ध्यान में रखना है आपको। एम का मतलब एम बोले तो मार्जिन, ठीक है, पी बोले तो पैडिंग, ओके। अब टी का मतलब टॉप रहेगा, बी का मतलब बॉटम, एल का मतलब लेफ्ट राइट, ओके, और एक्स वाई का थोड़ी देर के लिए बाजू में भूल जाओ आप लोग। तो ये चारों को ध्यान में रखना बस यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यूज करूंगा, देखो कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग पढ़ लेते हैं हम लोग, वहां पे काफी सारी चीजें है ना, इसलिए यहाँ पे आओ। देखो एम का मतलब क्या, मार्जिन, ओके। अगर आपको मार्जिन लेफ्ट देना है तो आप एम एल यूज करेंगे, ओके। अगर आपको मार्जिन राइट देना है तो आप एम आर यूज करेंगे, ओके। अगर आपको मार्जिन टॉप देना है तो एम टी यूज करेंगे। अगर आपको मार्जिन बॉटम देना है तो एम बी यूज करेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कितनी मार्जिन देना है, वो कहाँ पे होगा, तो वो डैश करना है आपको उसके आगे। यहाँ पे देखो डैश पर डैश पर डैश, और उसके आगे नंबरिंग देना है आपको। बट नंबर कितने से कितने तक देंगे, यहाँ पे स्टार लिखता हूं मैं नंबर रहेंगे, मार्जिन लेफ्ट के लिए एम एल, ओके, मार्जिन राइट के लिए एम आर, टॉप मार्जिन टॉप के लिए एम टी, बॉटम के लिए एम बी, और एम एक्स का मतलब क्या, एम एक्स में आएगा आपका लेफ्ट एंड राइट, क्या आएगा, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से ध्यान में रखना है आपको, लेफ्ट एंड राइट आएगा, लेफ्ट एंड राइट, ओके। और एग्जैक्टली वैसे ही एम वाई में क्या आएगा, एम वाई में, एम वाई डैश। स्टार क्यों दे रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है इसकी, यहाँ पे नंबर्स होंगे स्टार की जगह पे, ठीक है। इसका सिंटैक्स मैं सिंप्लीफाई किया हूँ, क्योंकि अगर मैं क्यों किया मैंने इतना सिंपल सिंप्लीफाई, इसका एक रीजन आपको दिखाता हूं मैं अभी। देखो टॉप एंड यहाँ पे बॉटम की बात हो रही है, ओके। एम वाई जैसे मैं यूज करूंगा तो दो जगह पे मार्जिन लगेगी, जैसा मान लो एग्जांपल ले लेते हैं अभी हम लोग, बट उसके पहले समझते हैं कि स्टार की जगह पे क्या लगाना है आपको। एक तो आप स्टार की जगह पे ऑटो यूज कर सकते हैं, ऑटो मार्जिन ऑटो याद होगा आप लोगों को, ऑटो मार्जिन ऑटो, तो वो ऑटो हम लोग वैल्यू यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एम वाई ऑटो, एम एक्स ऑटो, एम बी ऑटो, डैश या बीच में, ये मत बोलना, ठीक है। और एक तो हम लोग 0 से लेके 5 तक हम लोग चीजों को यूज कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका 0 का मतलब क्या, अगर मैं यूज करता हूँ वहां पे, देखो अभी 0 से लेके 5 तक ही यूज कर सकते हैं हम लोग। तो अगर मैंने यूज किया एम, सिर्फ एम यूज किया मैंने, तो इसका मतलब होगा टोटल साइड से, मतलब 4 साइड से मार्जिन, 4 साइड्स, ठीक है। इसमें इसका मतलब ऐसे यहाँ पे देखो इस तरह से 4 साइड्स, ओके। अगर मैंने यूज किया यहाँ पे एम डैश 0, ओके, इसका मतलब क्या है, ओके। तो इसको लगेगी कितनी मार्जिन लगेंगी हम लोग चल के देखते हैं वहां पे। इन लोगों ने कुछ लिमिट सेट करके रखी, या फिर हम लोग इस फाइल में से भी देख सकते हैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इस बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क की फाइल में चलते हैं डायरेक्टली, bootstrap.css यहाँ पे आ गए। मैं कंट्रोल एफ करके सर्च करता हूँ एम 0, यहाँ पे देखो मार्जिन 0, इन लोगों ने बताया यहाँ पे कितनी मार्जिन 0, ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ एम 1, देखो एम 1 में कितनी लगेंगी, यहाँ पे देखो 0.25 rem, कितनी लगेंगी 0.25 rem। अभी ये हम लोगों ने सब कुछ यूनिट देखा है, अगर किसी को भूल गया होगा कोई, तो हमारे प्लेलिस्ट में एक वीडियो है इसके ऊपर, टोटली यूनिट्स के ऊपर, आप लोग जाके फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखो M1 मार्जिन 1 अगर मैंने किया, तो अभी मैं टोटल 4 साइड के मार्जिन की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ M यूज कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे M1। अभी M2 अगर मैंने यूज किया यहाँ पे, तो उसको लगेंगे 0.5 rem, ओके। अब अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट,
जीरो एम थ्री के बारे में बात करते हैं, तो एम थ्री में लगेगी वन आर ई एम की हमारी मार्जिन। देखा आप लोग ने यहाँ पे, अगर एम फोर यूज करता हूं मैं तो एम फोर में हमारी लगेंगे 1.5 आर ई एम, ओके उतनी मार्जिन लगेगी वहां पे, फोर साइड्स की बात हो रही है। और एम फाइव की बात करता हूँ, ये लास्ट है हमारा, इसमें लगेंगे 3 आर ई एम की मार्जिन, ठीक है। एम सिक्स नाम का है कि आपको दिखाऊंगा मैं, देखो यहाँ पे एम सिक्स का आपको नहीं मिलेगा, देखो मैंने सर्च किया बट अनेबल टू फाइंड, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको, मैंने अभी डॉक्यूमेंटेशन में इसलिए नहीं बताया, यहाँ पे आओ देखो डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे देखो आप लोग अगर टाइम सिक्स को पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे बताया इन लोगों ने, बट थोड़ा सा एक टिपिकल जाएगा आपको समझने के लिए, इसलिए मैंने वहां पे सिंपल करके आपको दिखाया। तो याद रखना आपको जीरो से लेके फाइव तक हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं, और एक है ऑटो, ओके, जैसे कि हम लोग मार्जिन ऑटो यूज करते थे एग्जैक्टली वही चीज है यहाँ पे। देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा अलग लगेगा देखने पर, बट मैंने आपको डायरेक्टली फ्रेमवर्क की फाइल में, अगर कुछ भी क्वेश्चन हो किसी का ये क्लास के इम्प्लीमेंटेशन में है क्या, तो आपको सिंपल जाना है उस बूस्टर की फाइल में .css वाले में, क्योंकि हमें तो css पता है ना, इतने कैपेबल तो है हम लोग css समझ सकते हैं, तो वहां पे जाके डायरेक्टली सर्च कर लेना। मान लो आपको देखना है कि bg-info में क्या है इस क्लास में, तो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर का क्लास है, उसमें ये कलर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम लोग ना समझ पाए ये चीजें। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ m, तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में ये सिर्फ m को यूज करके देखते हैं फोर साइड के मार्जिन को, ओके यहाँ पे देख लेते हैं अभी। चलो मैं क्या कर रहा हूँ अभी इस एग्जाम्पल में, यहाँ पे देखना अभी एक मिनट, इसको हटा देता हूँ मैं पहले, ओके यहाँ पे देखो हमारे एग्जाम्पल में अभी मैं मार्जिन देने वाला हूँ। मार्जिन देने के पहले मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे एक हेडिंग यूज कर लेता हूँ। एग्जैक्टली पैडिंग भी ऐसे ही है, ठीक है, तो इससे कुछ डिफरेंट नहीं है कुछ भी। क्लास मैं कुछ क्लासेस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप अभी मत ध्यान दो, आपको अभी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, इसकी जगह पे अगर कोई चीज हम सेंटर में ला रहे थे पहले भी, तो हम लोग क्या यूज करते थे वहां पे, याद होगा आप लोग को, मार्जिन ऑटो, ठीक है। तो मार्जिन ऑटो, तो मैंने जैसे कहा कि आपको क्या लेना है, एम यूज करना है यहाँ पे, क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो अगर मुझे मान लो मैं काम करता हूँ, ये दोनों जो नीचे के दो क्लासेस है ना, इनको मैं कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको भी कमेंट कर लेता हूँ और इसको भी मैं कमेंट ही कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि एक ही क्लास रहे वहां पे, एक ही कॉलम रहे, मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखना अभी आप लोग, मैं सिंपल जा रहा हूँ इधर पे रो में, और रो में जाके मैं एम डैश ऑटो लिख रहा हूँ। एम डैश ऑटो का मतलब क्या, एम का मतलब फोर साइड से मार्जिन लगेगी, कितनी लगेगी उसकी वैल्यू हम लोग ने डैश के आगे पास की। ऑटो का मतलब क्या, ऑटो फोर साइड से ऑटो, तो अभी ये सेंटर में आएगा कि नहीं चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये रिमूव हुआ यहाँ पे, इस तरह से थोड़ा सा ये रिमूव हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, देखो इसको सेंटर में आना चाहिए था आई थिंक, कहा चला हम लोगों ने, कहाँ पे यूज किया, ओके यहाँ पे किया, राइट। एम अगर आपको लेफ्ट में लाना है तो आप, अभी मैं चार साइड की बात कर रहा हूँ, ओके इसको हटा देता हूँ मैं, एम जीरो करता हूँ मैं यहाँ पे यूज, ओके यहाँ पे, या फिर हम लोग कुछ छोटा एग्जाम्पल ले लेते, इसमें कॉलम में आई थिंक बेटा, ऊपर ही करके दिखा दो आप लोगों को, कॉलम के कंटेंट में भी हम लोग बता सकते हैं एग्जैक्टली वैसे तो, ठीक है। चलो ये टेक्स्ट सेंटर है ना, इसी की जगह पे मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये मार्जिन नाम का वर्ड है, इसके ऊपर आप लोग देखना अभी कि मैंने जैसे इसको यूज किया एम जीरो, तो इसके ऊपर मार्जिन आ जाएंगी अभी, देखो यहाँ पे मार्जिन आई थी जीरो पे, जीरो वाली, अब मतलब जीरो मतलब हट गई ना डायरेक्टली जीरो, मैं भी बोल रहा हूँ कि आपको आ गई बट वहां पे जीरो हो जाएंगे। वन एम वन किया मैंने, देखो इसको थोड़ी मार्जिन लगी यहाँ पे, कितनी लगी मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके, जैसे उसकी वैल्यूज में था एग्जैक्टली वैसी लगेगी जो एम वन के इम्प्लीमेंटेशन में था वहां पे। यहाँ पे चलते इसके ऊपर गौर कर लेते थोड़ा सा, यहाँ पे देखो 0.25 कितनी लगी, 0.25 आर ई एम, चेंज करके दिखाओ आपको, देखो यहाँ पे चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे देखो ये चेंज हो रही है, राइट। तो वहां पे कितनी लगी हमने देखी 0.25, ओके एम वन की वजह से। अगर मैं वही पे एम वन इसको यहाँ पे यूज करता, अगर मैं रो में ना, देखो यहाँ पे एम वन किया मैंने, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इस तरह से, रिफ्रेश, देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा हो चुकी, मार्जिन लग चुकी है। देखो यहाँ पे कितनी लगी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को एक बार, इसको हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट के बाद मैं इसको नीचे लेता हूँ मैं पहले, तो यहाँ पे आपको देखना है अभी अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ पे देखना है आप लोगों को, इधर पे देखना है, देखो 0.25 की मार्जिन कहाँ कहाँ लगी ये आपको दिखा रहा है, देखो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे देखो कितनी लगी है, देखो इस तरह से फोर साइड से,
है। अब मैं इसको फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जाके इस रो के ऊपर जाके टारगेट करो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितनी मार्जिन लगी हुई है। ओके, अगर आप चाहते एम टू लगाएंगे हम लोग, तो फोर साइड से एम टू, देखो अभी रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे, तो रिफ्रेश करने के बाद में आपको थोड़ा फर्क दिखाई देगा यहाँ पे। इस रो को, रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने रो के ऊपर लगाई मार्जिन अभी। ऐसा है तो आप कॉलम भी लगा के देखो, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे लगाओ आप बिंदास इसके जगह पे, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा अभी कि ये जो कॉलम है अभी इसको यहाँ से मार्जिन आ चुकी है, दिखाओ आपको, देखो यहाँ पे। वैसे सिंपल चीज है, मार्जिन दिखाना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि हमें अच्छी इधर से पढ़ा है हम लोगों ने। यहाँ पे देखो नीचे, देखो यहाँ पे हमें पता है, देखो यहाँ पे इस तरह से एट आया लिख के आया, देखो एट एम टू दिखा रहा है मैंने यहाँ पे। एम थ्री लिख दू अगर मैं तो फोर साइड से थ्री की मार्जिन देखो कितना है, वो 0.  समथिंग कुछ ना था उसके आगे, 75 था आई थिंक, देखो 0.75 था ना, सॉरी 1 REM था यहाँ पे, डायरेक्टली 1 REM की मार्जिन लग चुकी है यहाँ पे हम लोगों ने M3 यूज किया तो। एग्जैक्टली अभी देखो M4 का भी वैसी है, और लास्ट आप M5 तक यूज कर सकते हैं। देखो M5 मैंने किया, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखो इसकी मार्जिन, देखो साइड से मार्जिन आ चुकी है इसको यहीं से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हुआ फोर साइड के बारे में, और आपको ऑटो करूं मैं यहाँ पे, ऑटो 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 ऑटो, ओके देखो ये सेंटर में आ चुका है। अभी हमें पता है कि हम लोग मार्जिन ऑटो करते थे तभी सेंटर में आता था, अभी यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने MD यूज किया ना, इसलिए हमें ये इस तरह से दिख रहा है। एक मिनट मैं इसको क्या कर लेता हूँ, LG लगा लेता हूँ यहाँ पे, LG, ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से ये सेंटर में है, राइट, देखो यहाँ पे सेंटर में, सेंटर देखो, ओके देखो आपने, आप लोगों ने यहाँ पे सेंटर में था वो, ठीक है। जैसे ये छोटा होने लगा, ये तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे LG यूज किया है, ओके इस तरह से, मतलब LG तक ही वो रहेगा। तो अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि मार्जिन ऑटो का मतलब क्या है, सिंपल M डैश ऑटो का मतलब क्या, हम लोग यूज करते थे ना मार्जिन कोलन ऑटो, वही मतलब इसका भी है, ठीक है। ये तो था इसके बारे में, अगर आप अभी मैं एक एक साइड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये तो था कॉमन, मतलब चारों साइड के लिए M, बट अगर हमें सेपरेट साइड पे काम करना है, मतलब लेफ्ट में राइट में टॉप में बॉटम में, या फिर लेफ्ट राइट में, या फिर टॉप बॉटम में, इस तरह से, तो हम लोग को ये यूज करना है ML, MR, MT, MB, ओके सिंपल है। देखो यहाँ पे अगर आपको चीजें को मान लो इसको आपको लेके जाना है लेफ्ट में, इस कॉलम को आप चाहते हैं, इसको बड़ा कर लेता हूं मैं, देखो यहाँ पे ये भी सेंटर में है, इसको आप लेफ्ट में लेके जाना चाहते हैं, तो आप ML ऑटो लगाओ, मतलब मार्जिन लेफ्ट ऑटो, देखो यहाँ पे लेफ्ट में चला गया वो, ठीक है। तो आप जैसे भी करो ये उसमें ही रहेगा। अभी खास हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है ये रिस्पॉन्सिव क्लासेस, इसलिए ये 100% हो रहा है यहाँ पे, वो अलग बात है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये लेफ्ट में आ चुका है, ठीक है। अब राइट में अगर लाना है तो हम लोग जैसे लगाते थे मार्जिन राइट ऑटो, MR ऑटो, देखो यहाँ पे राइट में आ गया ये, ठीक है। MT ऑटो अगर लगाएंगे आप तो ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा फिलहाल, राइट, ये समझ में नहीं आएगा, ओके देखो ये राइट में ऑटो, एग्जैक्टली यही चीज है। अभी ऑटो का यूज किया हम लोगों ने, ऑटो की जगह पे हम लोग अभी कितने दे सकते हैं, जैसे 0 से लेके 5 तक हम लोग नंबर उसको दे सकते हैं। कैसे देना है हम लोग को, देखो सिंपल, या फिर आप MX यूज करो। X का मतलब क्या, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों भी आते हैं, देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट ऑटो रहेगा तो एग्जैक्टली सेंटर में आएगा ना वो। और आप यहाँ पे MY का भी मतलब लगा सकते हो, MY का, ओके MY मतलब टॉप और बॉटम की बात चल रही है ऑटो की। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी यहाँ से देखो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हटा देता हूँ, हमें समझ आया ना आप लोगों को कि आया या नहीं आया, मुझे मैसेज करो यहाँ पे। अब ये जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, एक साइड पे बात करेंगे। आप चाहते हैं कि आप मार्जिन लेफ्ट से सॉरी राइट से नहीं लेफ्ट से देते, लेफ्ट से आप देना चाहते हैं 3, क्या मार्जिन लेफ्ट से 3, तो 3 का मतलब क्या है हमें पता है, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, देखो 3 हो चुका है यहाँ से 1 REM आई थिंक, ओके। उसके बाद में यहाँ पे देखो अगर मैंने दे दिया ML 5 4 तो ये 4 हो जाएगा, देखो ऐसे मार्जिन आ रही है उसको लेफ्ट से, 5 देते तो ये 5 आएगा, देखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपको सेपरेटली टॉप से लेके आना है तो MT दे दो आप, MT देखो टॉप से आया, देखा आप लोगों ने टॉप से। अगर आपको बॉटम से देना है तो आप बॉटम से दो, MB दे दो वहां पे, देखो नीचे से मार्जिन आ गई इसको, M राइट दे दो इधर से मार्जिन आएंगी, देखो यहाँ पे आ रही है वो, दिख नहीं रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो MX दिया आपने तो क्या होगा, दोनों जगह से पाई पाई पिक्सल हो जाएगी, ठीक है, इधर से और इधर से। अगर MY दिया तो आपने टॉप से और बॉटम से इतना हो जाएगी वो, टॉप और बॉटम से हो जाएंगी, देखो टॉप और बॉटम, MY यूज किया मैंने, MY 5। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि 0 से लेके 5 तक आपको यूज करना है, और कैसे यूज करना है मैं हर एक साइड के बारे में बताया मैंने आपको, और कॉमनली 4 साइड के लिए भी मैंने बताया। तो एग्जैक्टली ऐसे ही पैडिंग भी है हमारा,
तो अभी मैं पैडिंग आपको किधर पे दिखाऊं? चलो इसमें तो दिखा सकता हूँ मैं वैसे तो। ओके एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक नया एग्जाम्पल बना लेते हैं पैडिंग के लिए, ठीक है। पैडिंग का भी वैसे ही सेम टू सेम है, सब कुछ वैसे ही है, बस सिर्फ नाम हमारा पी हो जाता है वहां पे, ठीक है। एक चीज रह गई अभी, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, BS8, वरना फिर वो मैं भूल जाऊंगा वो चीज। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक चीज दिखाना था मुझे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग ये सिंपल यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं अगर आपको मोबाइल वर्जन तक, मतलब आप चाहते हैं कि अगर आप MD वर्जन तक या फिर NG तक रहने दो, चलो आप चाहते हैं कि इसको रिस्पॉन्सिव जो क्लासेस है हमारे पास, जो ब्रेक पॉइंट है वो लगाए हम लोग इसके बीच में, तो ये भी हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या सिंटेक्स है? सिंपल सिंटेक्स है हमारे पास, सिंटेक्स है M, मान लो मार्जिन लेफ्ट है, तो आपका जो हम लोग नंबर देते थे ना डायरेक्टली यहाँ पे 5, 4, तो उसके पहले आपको बीच में डैश लगाना है। देखो दोनों के बीच में डैश लगाना है, यहाँ पे आपको देना है LG, आपको जो भी देना है, जो भी ब्रेक पॉइंट रहेगा हमारा मीडियम स्क्रीन के लिए MD, SM, वो सबको हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, दिखाता मैं आपको। चलो आप चाहते हैं कि आपकी जो मार्जिन है ऊपर से और नीचे से सिर्फ मीडियम स्क्रीन तक आए, क्या आ जाए? सिर्फ मीडियम स्क्रीन तक आए। देखो अभी रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे, अभी देखो आप मीडियम स्क्रीन, अभी मैं जैसे ही इसको छोटे स्क्रीन करूंगा देखो मार्जिन हट गई यहाँ पे। दैट्स, गौर करना आप लोग यहाँ पे, मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने यहाँ पे लिखा है MY MD 5। इसका मतलब क्या है? MY का मतलब है टॉप और बॉटम से हमें 5 की मार्जिन चाहिए। 5 का मतलब हमें पता है कितनी वो पर्टिकुलर REM है, 3 REM के आसपास, राइट ना, 3 REM के आसपास। तो अगर हमें वो चाहिए, बट कहाँ तक चाहिए? मीडियम स्क्रीन तक चाहिए। हम चाहते कि मीडियम स्क्रीन हो तब तक ही इसको ऊपर और नीचे से मार्जिन रहे, जैसे ही वो स्मॉल स्क्रीन हो तो इसकी मार्जिन हट जाए। देखो यहाँ पे जैसे मैं स्क्रॉल स्क्रीन पे आऊंगा ये हट गई मार्जिन। अभी आप यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हैं, LG भी यूज कर सकते हैं, मान लो आपको चाहते हैं कि लार्ज स्क्रीन तक रहे सिर्फ, आपकी मीडियम स्क्रीन के ऊपर वो ना आए। देखो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ बाहर, देखो यहाँ पे। ओके देखो अभी ये लार्ज हो गई, ये वाली लार्ज। ओके देखो अभी जैसे ही मैंने मीडियम स्क्रीन पे आया मैं, देखो ये लार्ज है हमारी, एक्स्ट्रा लार्ज ये थी, ये लार्ज है हमारी, और जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन के ऊपर आता हूँ इसकी टॉप और बॉटम वाली मार्जिन हट जाती है, देखो यहाँ पे। तो ये मुझे बताना था आपको कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्जिन वगैरह यूज करते हैं जैसे नॉर्मली। यहाँ पे हमारा बेनिफिट ये है कि हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से, ब्रेक पॉइंट के हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। देखो MY मैंने यूज किया, आप चाहते हैं कि राइट से जो राइट नहीं लेफ्ट से जो मार्जिन है वो, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश करता हूँ मैं हमारी लास्ट स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ, क्योंकि हम लोग देखो ये जो मार्जिन आई है आप चाहते हैं कि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ना आई, मतलब मीडियम स्क्रीन के जो डिवाइसेज रहेंगे उसके ऊपर ये मार्जिन ना आए, तो आपको क्या करना है? देखो मैंने लगाया वहां पे ML-MD- लिखा यहाँ पे इस तरह से, मैं जैसे छोटा कर रहा हूँ ये मार्जिन हट चुकी है यहाँ से टोटली। यहाँ पे देखो ये ML LG 5, मतलब सिर्फ लार्ज स्क्रीन तक रहेंगी, मीडियम स्क्रीन के अंदर वो नहीं आएगी मार्जिन, ठीक है। तो ये था हमारा मार्जिन के बारे में, बट एग्जैक्टली ऐसे ही है ये भी। आपका अभी टास्क क्या रहेगा? आपका टास्क ये रहेगा कि आपको चेक करना है, जैसे मैंने LG को चेक किया, MD को चेक किया, आपको SM पे चेक करना है, आपको SM पे चेक करना है और आपको एक्स्ट्रा लार्ज पे चेक करना है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास वो नहीं है जो हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं है इसके पास, ठीक है। तो अभी हम लोग पैडिंग की तरफ चलते हैं। पैडिंग भी एग्जैक्टली ऐसी ही है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखो M की जगह पे सिर्फ आप P लगा लो, क्या कर लो आप, सिर्फ P लगा लो, ठीक है। देखो पैडिंग हो जाएगा आपका, वैसी सिंपल है पैडिंग में, हमें पता है, बट हम लोग को लगा रहा है पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, बॉटम, ऐसी, और M की जगह पे सिर्फ P, ठीक, सिंपल है ये। अगर फोर साइड की बात आती है तो हमें ये सब यूज करना है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ओके इस तरह से। फिर से टाइम हमारा अप होने वाला है, काफी कम हो रहा है टाइम तो आज का। ओके ये वाला देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा जो संडे को भी सेशन रहेगा ये मत भूलना, संडे को भी हम लोग को सेशन लेना है, बट संडे तक ही हमारा बूस्टर आराम से हो जाएगा। देखो अभी अगर आपको पैडिंग देखना है तो पैडिंग भी इसी के आसपास कहीं ना कहीं मिलेगा हमें, पैडिंग तो यहाँ पे पैडिंग मिल रहा है हम लोग को, पैडिंग हाउ इट वर्क्स, ओके सिंपल है ये भी पैडिंग का, वो भी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया। ओके देखो अभी मैं आपको जल्दी से एग्जांपल दिखा था, डॉक्यूमेंटेशन आप लोग देख लेना है यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे सर्च करना, सिंपल पैडिंग के ऊपर क्लिक करना, आपको पैडिंग वगैरह मिल जाएगा। देखो यहाँ पे स्पेसिंग यूटिलिटीज में जाना है आप लोगों को, देखो यहाँ पे मार्जिन हो गया ना, पैडिंग उसके नीचे रहेगा कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पे रहेगा पैडिंग, पैडिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पे ढूंढना आप लोग, यहाँ पे यही पे रहेगा, देखो यहाँ पे पैडिंग,
पी एक्स दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे सेम टू सेम जो चीजें मैंने आपको बताई वैसे। अगर आपको ज्यादा देखना है तो देखो यहाँ पे आओ सर्च करो एम की जगह पे पी डैश वन, देखो पैडिंग वन का मतलब एग्जैक्टली 0.25, पैडिंग टू का मतलब कितना यहाँ पे मिलेगा आपको 0.5 आरईएम, पैडिंग थ्री का मतलब कितना ये मिलेगा आपको। फिर आप अलग 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 साइड के ऊपर भी काम कर सकते हैं, मान लो आपको टॉप पे ही सिर्फ पैडिंग देना है तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी बी एस पैडिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं मार्जिन को रहने देता हूँ, मार्जिन को रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें उससे। ओके अभी मैं इसके ऊपर काम कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये जो है पैराग्राफ, हम लोग क्या करते हैं पैराग्राफ को एक मैं बॉर्डर दे देता हूँ पहले, तो देखो बॉर्डर देना है हम लोग को बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। अभी इसको मैं पैडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं दूंगा मैं, यहाँ पे मैं पैडिंग प्रॉपर्टी यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यही पे देखो देखो क्लास पी जीरो, पी जीरो का मतलब क्या पैडिंग जीरो, ठीक है, ये नॉर्मली हमें पता है। पी वन का मतलब क्या हमारा पैडिंग वन, देखो 0.25, देखो यहाँ पे देखना आप लोग जूम करके इधर पे देखो यहाँ पे पैडिंग हमें पता है कहाँ पे आती है, पी टू दिया मैंने तो पैडिंग टू आ गई, देखो यहाँ पे इस तरह से देखो यहाँ पे दिख रहा होगा अभी आपको। पैडिंग थ्री दिया मैंने तो थ्री आएगी, देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया देखो इस तरह से, फोर दिया तो फोर आएंगे, तो अभी हमें पता है वो कितना आने वाली है। अगर कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हैं हम लोग, पैडिंग थ्री में कितना आएगा, पैडिंग फोर में कितना आएगा, फाइव में कितना आएगा। देखो यहाँ पे इतनी पैडिंग आ चुकी है अभी, अगर मैं दे दूं इसको पैडिंग फाइव पी डैश फाइव, ओके तो देखो यहाँ पे पी डैश फाइव ये बट कितनी रहेगी, ये हमेशा उतनी रहेगी, मतलब आप मोबाइल स्क्रीन में देख लो या फिर कितनी भी देख लो। आप चाहते हैं अगर कुछ ऐसा चाहते हैं आपकी आपकी मीडियम स्क्रीन में पैडिंग हट जाए, सिर्फ लार्ज स्क्रीन तक पैडिंग रहे, तो आपको क्या करना है इसमें यूज करना है इस तरह से पैडिंग, आप चाहते हैं सिर्फ लार्ज स्क्रीन तक रहे तो पैडिंग एलजी, बीच में एलजी लगाना है आपको, ठीक है। देखो रिफ्रेश किया मैंने, आप देखो यहाँ पे जैसे मैं लार्ज स्क्रीन पर रखूंगा इसको पैडिंग आ चुकी है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान दो आप लोग इसके आसपास पैडिंग के आसपास, बट जैसे ही मैं इसको छोटा कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ मैं लार्ज डिवाइसेस से हट रहा हूँ मीडियम डिवाइसेस पे आ रहा हूँ, तो जैसे मैं मीडियम डिवाइसेस पे आऊंगा इसकी पैडिंग जो है वो हट गई, देखो यहाँ पे इसकी जो पैडिंग है वो हट गई यहाँ पे देखो। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास क्या है ब्रेक पॉइंट है, ये सबसे बड़ी हमारे पास एडवांटेज है बूस्ट्रैप का, ओके। हम लोग किसी भी चीज को लगा सकते हैं इस तरह से, सो ये देखो ये इस तरह से। अगर आपको पर्टिकुलर साइज पे काम करना है, मान लो आप चाहते नहीं कि पूरा पूरे साइड को पैडिंग लगे, आप सिर्फ चाहते कि लेफ्ट को पैडिंग लगे, तो आप सिर्फ पी एल यूज करो वहां पे, पी एल पी आर मतलब पैडिंग राइट, देखो पी अभी ये देखो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली एल जी पे रखा, देखो यहाँ पे आपको सिर्फ पैडिंग कहाँ पे दिख रही है इस लेफ्ट साइड पे दिख रही है यहाँ पे देखो, गलती से मेरे हाथ से यूट्यूब चालू हो गया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये समझना है हम लोग को, ये चीजें एक बार समझ आ गई ना आपको बेसिक, इसलिए मैंने इसको टाइम लगाया। अभी आप लोग फैमिलियर होते जाएंगे कि एल जी क्या है एम डी क्या है, एक बार आप इससे फैमिलियर हो गए तो बूस्टर में बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो पैडिंग फोर लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे, आप चाहते पैडिंग राइट से लगे, देखो पी आर डैश एल जी डैश फोर रिफ्रेश, देखो यहाँ से लग गई पैडिंग। अब जैसे मैं इसको मीडियम स्क्रीन पे जाऊंगा तो ये हट जाएंगी पैडिंग, देखो हट गई पैडिंग यहाँ पे, देखो पैडिंग हट चुकी है यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। फर्क पड़ता है, ये फायदा है हमारे बूस्टर का, वरना हम लोगों को कितनी सारी कोड करना पड़ता, मीडिया क्वेरीज लिखना पड़ता, ये सब करना पड़ता, बट इससे हमारा काम बच जाता है काफी सारा। तो मैं इसको अभी दिखाता हूं आपको और क्या चीज है, वैसे मुझे अलाइनमेंट भी आज ही बताना था आप लोगों को, बट चलो कोई नहीं, आज सिर्फ पैडिंग और मार्जिन हो चुका है हमारा, इसके बाद में अलाइनमेंट का कल का सेशन रहेगा, अलाइनमेंट और छोटे मोटे चीजें रहेंगी। और यहाँ पे देखो ये समझ आया होगा आप लोगों के, अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड से लगे मतलब टॉप और बॉटम से लगे, तो आपको क्या करना है पी वाई यूज करना है, क्या पी वाई, पी वाई मतलब पैडिंग वाई, वाई का मतलब क्या टॉप और बॉटम से कितनी लगे मार्जिन, फोर लगे, कब लगे लार्ज, कब तक लगे लार्ज स्क्रीन की डिवाइस तक लगे सिर्फ, देखो रिफ्रेश किया मैंने अभी नहीं लगेगी, बट जैसे ही मैं लार्ज स्क्रीन पे जा रहा हूँ वहां पे लगेगी आपको, देखो यहाँ पे देखो टॉप से और बॉटम से पैडिंग दिखेंगी, यहाँ पे देखो टॉप से बॉटम से पैडिंग, ओके। बट जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ उसको, जैसे ही मीडियम स्क्रीन से डिवाइस पे आएगा ये हट जाएंगी पैडिंग, यहाँ से देखो हट गई। तो ये फायदा है हमारे बूस्टर का, ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, बट समझने की इतनी देर है कि हमें ये एलजी वगैरह समझ में आना चाहिए, वरना फिर कंफ्यूजन होता जाएगा और कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा। अभी भी किसी को डाउट हो कुछ भी तो मुझे मैसेज करना, ठीक है, इसके बारे में, या फिर डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरीके से, वो भी काफी अच्छा है वहां पे, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सी चीजें थे जो हम लोगों ने आज देखी, मार्जिन और पैडिंग। तो हम लोग किसी भी चीज को मार्जिन और पैडिंग दे सकते हैं, और किस तरह से मैंने आपको सेंटर में लाके बताई चीजें ऑटो का यूज करके, वहां पे ये भी कर सकते हैं। वैसे आते हैं हम लोग यहाँ पे
पैडिंग का जो टॉपिक है यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे पर्टिकुलरली, फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे पोजिशन ओवरफ्लो नियर फिक्स होना चाहिए था, पैडिंग का सेपरेट टॉपिक आई थिंक। ये हम लोगों ने क्या ओपन किया है, ये तो सही है ओपन किया है, वहां पर पैडिंग का टॉपिक कहाँ चला गया फिर इसमें से, उनका बूटस्ट्रैप है बट कहाँ पे चला गया कुछ पता नहीं चला, यूटिलिटीज में देख लेते। देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमें सिंपल कितना करेगा, आगे चल के हम लोग को बॉर्डर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बॉर्डर की सिर्फ हमें क्लास यूज करना है, वो बॉर्डर मिल जाएंगे हमें वैसे। देखो यहाँ पे सर्कल अगर बनाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, देखो इस तरह से राउंड लेफ्ट वगैरह करना है, आपको सिंपल से मिल जाएंगे सब कुछ, बहुत सिंपल होने वाला है आगे चल के काम हमारा, बस हमें क्या है कंटिन्यूटी रखना है काम में हमारे। यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे एक्चुअली, यहाँ पे पैडिंग वाला स्पेसिंग के अंदर होना चाहिए, स्पेसिंग में तो हमें कुछ थोड़ा ही मिला चीजें। देखो यहाँ पे ओके इन लोगों ने साथ ही में बताया, इन लोगों ने देखो यहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंट नहीं बताया, यहीं पे इन लोगों ने मार्जिन भी लिया है और पैडिंग भी लिया है, हम लोगों ने थोड़ा सेपरेट करके सीखा इसको। देखो यहाँ पे TBL ये जो भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा क्योंकि नीचे थोड़ा सा ये जो चीजें हैं ना आपको इनटू मल्टीप्लिकेशन ये थोड़ा अलग लगेंगी ये चीजें देख के, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से लेके बताया मैंने वहां पे। खैर आपको समझ में आई होंगी ये चीजें किस तरह से मार्जिन लगाते हैं पैडिंग लगाते हैं, हर चीज आपको समझ आई होगी ठीक है यहाँ पे। सो अभी हम लोग को देखो स्लोली स्लोली ये सब काम करना है, उसी के साथ में देखो यहाँ पे शेडोज वगैरह लगाने के लिए क्लासेस है और काफी कंपोनेंट्स भी हमारे पास यहाँ पे। देखो कंपोनेंट्स में अगर आते हैं ना हम लोग तो हमें काफी चीजें मिलते हैं, ये अलर्ट बॉक्स वाला इस तरह से अगर बनाना है हम लोग को, तो अगर हमें इस तरह से चाहिए कुछ तो ये बन बनाए रेडी है ठीक है, हमें बस देखो ये ऐसा कुछ चाहिए हम लोग को तो बना सकते हैं डायरेक्टली ये यूज करने का हम लोग को, यहाँ पे बहुत चीजें यहाँ पे। सो अभी टाइम भी हमारा 2 मिनट्स ही बाकी है वैसे तो, थोड़ी जावास्क्रिप्ट हमें सीखना पड़ेगी बट तो मैं सोच रहा था कि जो जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है हम लोग उसको बाद में ले लेंगे, बूटस्ट्रैप के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट वाले रिलेटेड कंपोनेंट्स है जैसे कि कुछ चीजें हैं मॉडल वगैरह, ये जो मॉडल्स है इसके लिए थोड़ा जावास्क्रिप्ट वगैरह थोड़ा सा समझना चाहिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड है देखो यहाँ पे, सॉरी जावास्क्रिप्ट के एक लाइब्रेरी का कोड है जेक्वेरी का, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो ये मॉडल आता है इस तरह से, इससे मतलब सिंपल है, देखो लॉन्च मॉडल पे क्लिक किया तो ये मॉडल जो आ रहा है ना ये कैसे आ रहा है, ये बूटस्ट्रैप में है बट इसके लिए थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का, देखते हैं हम लोग अभी बट हम लोग जितना पॉसिबल हुआ उतना बूटस्ट्रैप कवर करेंगे। ओके सो आप लोग की प्रैक्टिस चालू रखो आप लोग, बाकी चीजें हम लोग करते रहेंगे ओके, और टास्क करना मत भूलना, अगर टास्क नहीं करोगे तो बाद में मुझे कॉलिंग आप लोग की यार समझ ही नहीं आया मुझे बट आप लोग ने उस टाइम टास्क नहीं किया था, ये मत भूलना ठीक है। टास्क करना आप लोग, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे ग्रुप के ऊपर अपडेट करना या फिर पर्सनली करना ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट टुमारो।